पहले जहर की कज़ा या असर की नमाज। सवाल ये है, अगर किसी की जहर नमाज कज़ा हो गई हो और असर नमाज की जमात खड़ी हो तो वो शख्स क्या करे, जहर की नियत करके असर की जमात में शामिल हो जाए या पहले असर पढ़े फिर जहर पढ़े। दोनों सूरतों में सही किया है या फिर इन दोनों में अफजल सूरत कौन सी है? जवाब, अगर असर की जमात होने में कुछ वक्त बाकी है तो इस दौरान जहर की नमाज अदा कर ले, और अगर जमात शुरू होने वाली है या हो गई है तो आप जहर की नियत से इमाम के साथ मिल जाए, ये आपकी जहर की नमाज हो गई, फिर बाद में असर की नमाज पढ़ ले। जंग हंदक के मौका से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असर की नमाज खुद हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले असर की नमाज पढ़ी, हालांकि मगरिब का वक्त था, और फिर मगरिब की नमाज पढ़ी। हदीस इस तरह से आई है, हजरत उमर बिन खताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ग़ज़वे हंदक के मौके पर एक मरतबा सूरज ग़ुरूब होने के बाद आए और कुफ़ारे कुरैश को बुरा भला कह रहे थे, और आपने कहा, ए अल्लाह के रसूल, सूरज ग़ुरूब हो गया है और नमाज असर पढ़ना मेरे लिए मुमकिन न हो सका। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मैंने भी नहीं पढ़ी। फिर हम वादी बुतान में गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वहाँ नमाज के लिए वजू किया, हमने भी वजू बनाया। इस वक्त सूरज डूब चुका था। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने असर पढ़ाई, इसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ी। इसी तरह एक दूसरी हदीस में चार नमाजों के छूटने का जिक्र है। इस मौका से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वो नमाज नहीं पढ़ी जिसका वक्त, बल्कि आपने पुतशुद्दा नमाजों को तरतीब से अदा किया। हदीस मुलाहिजा फरमाए, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जंग हंदक यानी अहजाब के दिन मुशरिकीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को चार नमाजों से रोके रखा। चुनांचे आपने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया तो उन्होंने आजान दी, फिर इकामत कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जुहर पढ़ी। फिर बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तकबीर कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने असर नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने इकामत कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब पढ़ी। फिर इन्होंने इकामत कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। इस हदीस को शेख अल्बानी ने सही उन्निसाई में सही लिगैरिही करार दिया है। इसलिए अगर किसी की जहर की नमाज छूट गई और असर की जमात कड़ी है तो वो इस नमाज में जहर की नियत से शामिल हो जाए, ये उसकी जहर की नमाज हो जाएगी, फिर इसके बाद असर की नमाज अदा कर ले, ये अफजल है। ताहम कोई पहले असर की नमाज पढ़ ले फिर बाद में जहर की कजा करे तो ये सूरत भी जायज है। यह भी मालूम रहे कि इमाम व मुक्तदी की नियत में फर्क हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जवाब मकबूल अहमद सलफी, इस्लामिक दावत सेंटर, ताइप, सऊदी अरब।